Yes, now here is given read and answer. The first question is what did Taro's father desire? Taro's father ki kya ichha thi, kya desire thi? Taro's father desired a cup of sake that would warm him and do good to his heart. उसके फादर्स की डिजायर थी कि उसको एक कप मिल जाता उस सेक का जो उसकी बॉडी को वार्म रखता है और उसके हार्ट को जो है गुड कर सकता है ना. सो व्हाट सी द सेकंड, व्हाट हैपेंड वन इवनिंग दैट मेड टैरो सैडर देन बिफोर. सो किसने जो है इसको टैरो को सैड कर दिया था? वन इवनिंग टैरोज फादर, सी द आंसर. वन इवनिंग टैरोज फादर डिजायर्ड एन एक्सपेंसिव एंड हार्ट वार्मिंग ड्रिंक टू फाइट द कोल्ड. उसने उसे टेंशन थी इस बात की, उसको वो सैड था क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि अपने फादर की डिजायर्ड को फुलफिल करे. बट इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही वो महंगा था. एंड ही वॉज अ वेरी पुअर वुड कटर, सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू परचेज इट. ओके, एंड हार्ट वार्मिंग ड्रिंक टू फाइट द कोल्ड. और वो बहुत जरूरी था जो कि हार्ट को गर्म रखता सर्दी से लड़ने के लिए, है ना, फाइट द कोल्ड. ओके, वो बहुत जरूरी ड्रिंक था. यस, सी द थर्ड क्वेश्चन, सी द थर्ड क्वेश्चन हियर. व्हाट हैपेंड एज टैरोज फादर ड्रैंक द सेफ. सी सॉरी सी द थर्ड, व्हाई डिड द टैरो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड ऑफ रशिंग वाटर. वो जो है रशिंग वाटर की तरफ क्यों दौड़ा? टैरो रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड ऑफ द रशिंग वाटर बिकॉज ही वॉज थर्स्टी आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. बिकॉज ही हैड डन अ लॉट ऑफ वर्क एंड आफ्टर दिस ही वॉज अ वेरी थर्स्टी. बिकॉज उसने बहुत जो है हार्ड वर्क किया था इसलिए उसको प्यास लग रही थी, है ना, वो प्यासा था. एंड दैट्स व्हाई ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड ऑफ रशिंग वाटर वाटर. ओके, नाउ सी द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड एज सून एज टैरोज फादर ड्रैंक द सेफ. क्या हुआ जैसे ही टैरोज के फादर्स ने उसे को पिया? एज सून एज टैरोज फादर ड्रैंक द सेफ ही स्टॉप्ड शिवरिंग. स्टॉप्ड शिवरिंग, वो उसका जो शिवरिंग मीन्स हेयर, व्हाट डू मीन बाय हेयर शिवरिंग? शिवरिंग मीन्स क्या होता है, जैसे कांपते हैं ना तो उसको शिवरिंग बोलते हैं. तो जैसे उसके फादर ने जो है वो सीख लिया, वो जो कांप रहे थे वो उसका कांपना बंद हो गया. शिवरिंग मीन्स शेकिंग स्लाइटली एंड अनकंट्रोलेबली एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग कोल्ड. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट फिफ्थ, व्हाई डिड द एम्पायर ऑफ जापान ऑनर टैरो. क्यों जापान के एम्पायर ने जो है उसको ऑनर किया टैरो को. द एम्पायर ऑफ जापान ऑनर्ड टैरो फॉर बीइंग अ गुड एंड अ थॉटफुल सन. इट वाज आल्सो टू एनकरेज एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स. इसलिए किया क्योंकि एक वो बहुत ही अच्छा और थॉटफुल सन था, है हाँ ना, और उसने एनकरेज भी करा सभी बच्चों को. कि किस बात के लिए एनकरेज करा? कि टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, की सभी को जो है अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अपने पेरेंट्स की बातों को मानना चाहिए. ओके, दैट्स व्हाई ही गॉट अ नॉर्मल वाटर. ही गॉट अ सेक इंस्टेड ऑफ अ नॉर्मल वाटर, है ना, विच वॉज कम फ्रॉम द वॉटरफॉल. ठीक है, नाउ सी द थिंक एंड आंसर. वी हैव बीन ट्रिक्ड, व्हाई डिड द विलेजर्स से सो. ऐसा विलेजर्स ने क्यों कहा? वी हैव बीन ट्रिक्ड, ऐसा विलेजर्स ने इसलिए कहा. द विलेजर्स डिड नॉट फाइंड सेक इन द वॉटर लाइक टेरो डिड. जैसे टेरो को मिल रहा था वॉटरफॉल, ऐसे वो जो है विलेजर्स के पीपल को नहीं मिल रहा था. वो जस्ट अ सिंपल वाटर मिल रहा था उनको, नॉट अ सेक, है ना. सो देयर फोर दे फेल्ट ट्रिक्ड एंड वर एंग्री विद टैरो. नाउ सी द सेकेंड, व्हाई डिड द वॉटरफॉल गिव सेक टू टैरो एंड कोल्ड वाटर टू द रेस्ट ऑफ द विलेजर्स. जो वॉटरफॉल था